सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के DNS अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। अब इसका फायदा करीब 32 लाख कर्मचारियों और 25 लाख पेंशनर्स को होगा। हालांकि इनमें सेना और सुरक्षा बलों के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। इस फैसले से सरकार पर 14,595 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे की मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से लागू होगा, जिसका एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, 4% डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 48 लाख एम्प्लॉइज एंड 65 लाख पेंशनर्स। 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होता है और मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग दिया, तब भी लोगों के तनख्वाह अच्छी मात्रा में बढ़े थे और लगातार अब ये 17% जो था डियरनेस अलाउंस वो 21% हो गया है। तो ये कर्मचारियों को फायदा देने वाला, लाभ न्याय देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला समय पर किया है। 4% 17 to 21 माय रिक्वेस्ट बीच में थोड़ा सा, हाँ नहीं, 2016 में 7वां वेतन आयोग आया, ये ठीक है। तो ये इसका खर्चा इस साल 14,595 करोड़ आएगा, 14,595 करोड़। लेकिन मैंने जैसे कहा, 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होगा। पिछले सप्ताह ही राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी थी कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि महंगाई भत्ता क्या होता है। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा होता है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत ना हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। आपको बता दें कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है, जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर के दौरान इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में इजाफे का फैसला लिया जाता है। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 17% का महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 21% हो जाएगा। जनवरी से मिलने वाले बढ़े हुए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बीते साल जुलाई से दिसंबर छमाही के दौरान की महंगाई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जुलाई से मिलने वाले DA का कैलकुलेशन जनवरी से जून छमाही के दौरान की महंगाई के आधार पर होता है। भारत में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत मुंबई के कपड़ा उद्योग में 1972 में हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने लगी थी, जिससे बढ़ती हुई महंगाई का असर सरकारी कर्मचारी पर न पड़े। इसके लिए 1972 में ही कानून बनाया गया, जिससे ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा।